योग्यता नहीं होगी, ये एक लड़के की धाकड़ आवाज का परिणाम है, एक लड़के की आवाज का परिणाम है, एक लड़के की आवाज से आज झारखंड की राजनीति की तस्वीर बदली है। सोच के देखे, वो संख्या जिस दिन 100 होगी, वो संख्या जिस दिन 1000 होगी, वो जिस दिन संख्या लाख होगी, और खासकर जिस दिन संख्या लाख होगी, अच्छे अच्छों की खाक हो जाएगी। इस बात को याद रखना। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कितना मेहनत करती है। भले हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं और करेंगे, लेकिन इस बात की प्रशंसा कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसको इतना फुर्सत है कि जयराम महतो को वाच कर रही है, रिपोर्ट भेज रही है कि गिरिडीह धनबाद खबरदार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस लड़के को वाच कर रही है, पल पल का खबर भेज रही है कि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा में खबरदार, यहाँ एक पारसनाथ का मतवाला टाइगर आया है जो किसी से झुकने वाला नहीं है, वो जब बोलता है सबकी खोल के रख देता है। सोचिए, इसलिए आज नौजवानों, इसलिए नौजवानों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजनीति को समझिए। इसलिए आप लोग राजनीति को समझिए, राजनीति को नहीं समझेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। बहाली अब देखिए ना, जनरल कोटा में 61 बहाली था, 61 बहाली था ना, जनरल कोटा में शिक्षकों की थे ना, जेई, सॉरी माफ कीजिएगा, जेई, जेई में 61 बहाली था। आपको जानकारी होना चाहिए, 39 यूपी बिहार राजस्थान के लोग ले गए, आपके हिस्से में 22 आया, और कसम से बोलते हैं उस 22 में भी बहुत सारा बिहार का लोग झारखंडी बना है। अरे ये तो मालूम हुआ कि अभी उसका मूल पता क्या है, बताइए आपके हिस्से में क्या आ रहा है, घंटा अभी बताइए। पढ़ने लिखने वाले नौजवान, गिरिडीह हजारीबाग धनबाद ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए आपके हिस्से को कहां बेचा जा रहा है। हम वोट बेचते हैं, वो हमारी नौकरियों को बेचते हैं। 27 लाख में पेपर लीक हुआ, मालूम होगा आपको, सीजीएल की परीक्षा आप भी दिए थे, नौजवान यहां बैठे हैं, यहां मुझे लगता है दर्जनों नौजवान हैं जो सीजीएल की परीक्षा में बैठे हैं। बताइए कितना अन्याय इस राज्य के साथ होता है, आप सोच के देखिए क्या अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आइए एक बैठिए, और हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, रामगढ़ से, बगोदर से, मनोज दा भी आए हैं, रवि जी भी आए हैं, आप लोग मंचासीन होंगे, तो सोच के देखिए क्या व्यथा है झारखंड। क्योंकि मेरी आवाज इस ग्राउंड के अलावे चारों ओर जा रही है, वहां शायद अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, खासकर बिहार बंगाल के लोग जरूर रहते हैं, उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग भी रहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, बिहार को हम बड़ा भाई मानते हैं, बंगाल भी हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा भी हमारा बड़ा भाई है। 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ। भैया जब 1912 में बिहार अलग हुआ, बंगाल वालों ने आज तक बिहार में एक भी डाका नहीं डाला है। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से सन 1912 में बिहार अलग हुआ, उसके बाद बंगाल के किसी मूल निवासी ने बिहार में कोई दखल अंदाजी किया हो? क्या आपके पास डाटा है, एक भी डाटा है? नहीं है, क्योंकि बंगाल ने बिहार को भाई मान के अपना हिस्सा अलग कर दिया। ठीक, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, क्या बिहार के लोगों ने उड़ीसा में दखल अंदाजी किया है? नहीं किया है। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, सब लोग यहां टांग गड़ा के बैठे हैं, ये दुर्भाग्य का बात। हम स्वीकार करते हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई, बिहार हमारा मंझिला भाई, उड़ीसा हमारा संझिला भाई, और झारखंड छोटा भाई। बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर की धरती है, बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर की धरती है, उड़ीसा के पास 155,707 वर्ग किलोमीटर की धरती है, और झारखंड के पास सबसे कम
79,714 वर्ग किलोमीटर की धरती है भैया। जब हम आपकी ना जमीन पे नजर नहीं गड़ाते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी जमीनों पर, हमारे रोजगार पर नजर गड़ाने का। ये छोटा भाई आपको संदेश देता है। अरे भाई, बिहार के लोग बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, वहां कभी नहीं बोले भोजपुरी लागू कीजिए, झारखंड ही चाहिए। 15 लाख है बंगाल में बिहार के लोग, उड़ीसा में भी 6-7 लाख है, लेकिन कभी नहीं बोला उनको झारखंड ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार बंगाल के लोग उड़ीसा में है, लेकिन कभी नहीं बोला कि बंगला की भाषा उड़ीसा में लागू की जाए। इन्हें सबको केवल झारखंड चाहिए, लूटने के लिए, खसोटने के लिए, चबाने के लिए झारखंड चाहिए। यह अन्याय केवल हमारे साथ होगा। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड की व्यथा पर कोई बात नहीं करता है। आज सुनने में आया माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में उनकी अर्धांगिनी भावुक होकर रो रही थी, एक स्त्री की रोने पर हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, उनकी रोना को हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम भी एक शहीद पिता की संतान है। और मेरी माता उस समय मात्र 28 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास शहादत हुआ था। यानी एक स्त्री की व्यथा को मैंने देखा है, समझा है, लेकिन इस बात का तकलीफ है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उनकी अर्धांगिनी झारखंड के दुख दर्द पे नहीं, अपने निजी दुख दर्द पे रो रहे थी, इस बात की तकलीफ है। अगर ठीक है, यदि आपके पतिदेव जेल चले गए, कल वापस आएंगे और शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? क्योंकि आप उसी सरकार का अंग है, उसी सरकार के अंग थे। शहीद सुनील महतो, उनका मर्डर हुआ है, बताइए एनआईए जांच कब करेगी आपकी सरकार? अरे आपके पति जेल गए तो आपको तकलीफ हुई, हम उस तकलीफ में आपके साथ हैं, लेकिन बताइए उनका मर्डर हुआ है, आपकी पार्टी का है, और आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का घर है, समाधि स्थल नहीं जा पाए, क्यों झारखंड सवाल नहीं करेगा? अगर रोना है तो रोने पर भी इंसाफ हो। यदि मोहदया का रोना इसलिए कि उनके पति जेल में गए हैं, तो जो इस दुनिया में नहीं उनकी आंसू का हिसाब कौन करेगा? शहीद सुनील महतो की पत्नी का जो विलाप है उसे शांत कौन करेगा? एनआईए जांच की अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को कब भेजेगी, उस इंतजार में है। आज 90 साल की बूढ़ी माँ है सुनील महतो की, आज इंतजार में रहती है कि टुसू का मेला हर साल लगे, उस मेला में 50,000-1 लाख रुपया बचता है, उस पैसे को सुनील महतो की माँ को दिया जाता है घर चलाने के लिए। एक सांसद का यह दुर्भाग्य है राज्य में, और आप केवल इसलिए रो रही है क्योंकि आपके पति कुछ दिनों के लिए जेल गए। आपकी सहानुभूति में साथ है, झारखंडी होने के नाते उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना होगा, इसी राज्य में आप ही के पार्टी के सांसद की एक नहीं महोदया 12 गोलियां दन दन आदन सीने में उतारी गई है, उस पर आंसू कब भाएगा? ये सवाल पूछता है झारखंड। 12 गोली शहीद सुनील महतो की चौड़ी छाती में, पारसनाथ से भी मजबूत छाती में एक नहीं 1 दर्जन गोलियां दागी गई थी, उसका हिसाब कौन लेगा? उस शहादत का हिसाब कौन लेगा? क्या उत्तर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज वर्तमान में सरकार है, और ये उछल कूद करने वाले विधायक, इनके पास क्या उत्तर है? लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करने वाले माननीय श्री सुदीप सानू जी, एक बात स्पष्ट कहेंगे, आप बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। पहला बात, बायस नेचर के लोग तो राजनीति में होने नहीं चाहिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए। सामने बैठकर अगर आप गाली दें वो स्वीकार करना जाने, ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज आपने पीरतर सुनिए सोनू जी, जब गिरिडीह सदर ने आपको धुतकार दिया था, सुनिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू सोनू जी, जब गिरिडीह सदर ने 2 बार हारे थे ना, गिरिडीह सदर में 2 बार पानी पानी हुए थे, यही निर्भय सदाबादी जो आपके साड़ू हैं, जिनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, 2 बार उठा के पटका था, पानी पानी हो गए थे सोनू जी,
तब पता है किसने आपको वोट देके जिताया था? पीरटांड की धरती ने, याद रखिएगा। अरे आपको गिरिडीह ने पूछा भी नहीं था, सुनिए सोनू जी, गिरिडीह ने आपको पूछा नहीं, आपको छूछा बनाया था गिरिडीह ने, आपको पीरटांड ने प्यार दिया, दुलार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? एफआईआर दिया है, नक्सली बनाने की धमकी देते हैं। तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा ना, जिस दिन पगला गए ना, एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। पीर जान तो छोड़िए, एक गांव में घुसने देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे। बहुत बड़ा सरकार का नोनो बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीरटांड का। मजाक समझ लिए क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से। घंटा कीजिएगा केस करके, यहां सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 फीट का इंसान क्या है? अबरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितना गोद में बैठी है, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे। सुनिए श्री सुनील कुमार सोनू जी, आदरणीय बड़े भाई, बिल्कुल बड़ा भाई है आप, ये जो दलाली कर रहे, चमचई कर रहे सरकार की, कुछ भी कर लीजिए, घंटा मोड़िया पटक दीजिए, ठेके साज दे, ठेके में मोड़ी साज दी ना रे सोनूदा, विधायक के बन के रहे, विधायक के आधे मंत्री बन लो के, बताओ बसंत सोरेन, कल सीता सोरेन, परसु कल्पना सोरेन, और बाद अगर बेटियन बन तो, लेकिन तोरा ना पूछ तो ले कह दे। केस करते हैं, केस क्या करते हैं जी? पुलिस आपका, प्रशासन आपका, गोली मरवा दीजिए, केस क्या करते हैं? आप तो राजा है ना, सरकार आपकी है, केस क्या करते हैं? गोली मरवा दीजिए, बायस नेचर के आदमी कहीं के, मन पापा सब कहीं के, लोकतंत्र के बात करते अखनी, बेशरम सब कहीं के, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप गठबंधन के हिस्सा लग गए, और गठबंधन के सबसे बड़ा नेता पंडित नेहरू के पढ़ल लिखे, और बात करते लोकतंत्र के, अरे ना पढ़ रहे हैं, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो, लोकतंत्र के बात करते सवाल कहा ना कर दो, सबसे ज्यादा वोट फिर चार दल हो, सबसे ज्यादा वोट फिर चार दल हो परसेंटेज में, सवाल कतर पेट में दर्द भई गेलो, तखन की लगे ना घूर घूर भटवा मांगे, तन भटवा लिए मजा लगलो, अभी सवाल करो तन सजा लगलो, ने भटवा लिए मजा लगलो, तखन गिरिडीह लोग के लात मारला थिन, दौड़ के गेलो पीर टांग की गेलो बोका लो बोने रहे वाला दे भटवा, भटवा दिए मजा लग गेलो, विधायक बन गेलो बड़का हिया, लोकतंत्र के बात करे वाला, आलोचना से हक शक्ति नहीं, सुने के शक्ति नहीं, केस कर में एगो का है, गोटे पीरे टाइट के केस कर दे, इसलिए सीधा संदेश देंगे विधायक जी, सुन विधायक सुन, कनवा में कड़वा ना है, हैंड्रिक तेल लगाए के सुन, और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमारे तो ही सुनने हैं, नुकाए नुकाए सुनने हैं, बिना फॉलो करके बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं, हाय बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो हमारा रिपोर्ट है। रोज आज तो एकदम पहले हुआ मुख्यमंत्री के हुआ सहित है, कहते छोड़े की कले देखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब है, आज सुन ले, अब पहला बात
होनी का स्पष्ट कहो, अबरी यदि कोई जात और धर्म के नाम पे वोट मांग तो एकदम सीधा चेती हूं, यहां जितना भी जान बैठल है सब कोई कोनो धर्म के माना है, कोई सनातन के माना है तो कोई इस्लाम के माना है, कोई सरना के माना है, कोई सिख के माना है, कोई ईसाइयत के माना है। आज हर एक धर्म में दान दिए के बात कहल गया है। यदि इस्लाम के बात करबे तो जकात के व्यवस्था है। जकात के मतलब अपन संपत्ति के अपन कमाई के 2.5% गरीब में, पड़ोसी में, गरीब गुरबा में दान देना। सिख धर्म के बात करबे तो ओकरो में 5% गुरुद्वारा के दान देना ताकि वहां फ्री में लंगर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार के माने वाला के बात करबाई तो डॉक्टर अंबेडकर भी बोला 10% अपन कमाई के दान देना ताकि शोषित वंचित के अंबेडकर बने के मौका मिलता है। और अगर सनातन के बात करबाई तो सनातन के एगो संत हलय, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक लाइन कहा था कि यदि आप भगवान को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं और पड़ोस का बच्चा यदि भूख से रो रहा है तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हैं, ये सवाल कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग राम जी की आस्था के नाम पे वोट मांगने आएंगे, सवाल कीजिएगा कि राम जी पापियों को नहीं माफ करते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री सदन में राम जी का नाम लेकर अपनी बात को रख रहे थे। राम जी का नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, उसी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने टाइम में जब मंत्री थे 100 करोड़ का घोटाला किया था। और अगर 100 करोड़ का घोटाला किया था दैट मींस अगर 100 लोग का आदमी अगर इलाज के अभाव में मरा होगा तो दोषी वो स्वास्थ्य मंत्री होगा। क्या राम जैसे पापियों को माफ कर देंगे? आप ही बताइए। इसलिए धर्म की अगर कोई बात करता है उसका संत होना चाहिए, उसका पीर फकीर होना चाहिए। ये राजनेता अगर धर्म की बात करते हैं तो सवाल होना चाहिए धर्म का मतलब क्या होता है। आज गिरिडीह भूख से रो रहा है और आप 1000 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, अब धर्म की बात कीजिएगा शोभा नहीं देगा। अरे अर्जुन दा टेंशन नहीं ले, तो रथ अब 24 में तैयार है। अर्जुन दा तो रथ तैयार है, तो रथ में तोर साथ साथ बहुत सारा महारथी बैठता है और जितना भरोसेचारी है अपने किस धरती से उखाड़ के फेंके काम धीरे लाग। अर्जुन दा तो रथ तैयार भय रहा है, सहज रहा है, सबके पाई पाई के हिसाब ले भाई। अरे अभी एगो टाइगर आए ले, अभी देखना अब तो रिजवान अभी की कहा नहीं हरे राम हरे हरे, तो हर घर से अभी टाइगर अभी पेट में दर्द है कसम से। 4-5 गो टाइगर निकल गए, पता नहीं अखने की रोग धरते। खैर उठा वो रोगवा का नाम तो नहीं हम पब्लिक में नहीं कहिए, ये बड़े डेंजरस रोग के नाम धरा है। कोई सिर खाए अजय भी है, पता नहीं की रोग धरता इला के। अभी एगो आले से अगवा काए गेल थे, झंडा मैदान नहीं मिलतो। अरे ठीक है टेंशन नहीं ले, ये अगर विधायक लगे ना तो सांसद जिता ना, सांसद जीत के भाई और सबसे पहले स्वागत सभा झंडा मैदान में भेजे। अगर झंडा उखाड़ दे झंडा मैदान बपोती बुझला है ना, एमपी चुनाव जीते अगर जीत गए तो प्रॉमिस हो, अगर जीत लिया तो प्रॉमिस हो झंडा मैदानी नहीं देना। एमपी बनल बाद कभी विधायक लगे नीचू रहो, नीचू रहो, जीत जाए झंडा मैदान में 7 दिन तक हमने झंडा लहराते। हमरा बुझा से समय कहीं टूर में नहीं भाग जो न पक्का अगर टूर भागे रहते। अरे इतना हिम्मत ना है यार कि टाइगर गरजते यार 7 दिन या सुन के बर्दाश्त कर लेते, अगर टूर ना जाए बेचते। एमपी अगर निकल गए सिटवा ना पहला स्वागत सभा झंडा मैदान में भेटे, चारों कुन झंडा गाड़बे, लाल पीला हरा सबके झंडा गाड़बे।
हाँ।